हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़। वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊं यूज ऑफ वुड। वुड का यूज जो होता है, आप जनरली बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं वुड का यूज करें तो कहां करें। तो वुड का यूज जो होता है, पहले मैं आपको इसका अलग अलग तरीके से बताता हूं उसमें कहां अलग अलग तरीके से यूज होता है। पहला हम तरीका देखेंगे वुड का जो यूज होता है, बिल की अपेक्षा अधिक ज्यादा पोलाइट होता है, ज्यादा रिक्वेस्टेड लगता है। जहां अगर आपको ज्यादा ही रिक्वेस्ट करनी है, ज्यादा ही पोलाइट वे में जाना है, तो आप वहां पे वुड का यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। और इसमें आप दूसरे की इच्छा जानने के लिए, दूसरे की इच्छा जानना हो, आपको विलिंगनेस जानना हो, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, विल का वुड का यूज करेंगे। जैसे वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप मुझे एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे, ये बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। और अब जैसे विलिंगनेस में देखें, जैसे किसी की हमें इच्छा जाननी है, तो उसमें कैसे वुड यू सिंग एट द कंसर्ट टुमारो, वुड यू सिंग एट द कंसर्ट टुमारो, क्या आप कल के कंसर्ट में गाना गाएंगे, मतलब गाएंगे तो उसमें आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप गाएंगे कि नहीं गाएंगे, तो आप उनकी इच्छा जानना चाहते हैं, तो इसमें किसका यूज होगा, वुड का यूज होगा। सेकेंड टाइप में देखें तो वुड का यूज आपका लाइक वुड या फिर किसी प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, वही प्रोबेबिलिटी आपका या लाइक वुड एक जैसी, मतलब ऐसा होना है, ऐसा होता है उसके लिए। जैसे ही वुड बी इन दी फील्ड, अभी वो हो सकता है घर फील्ड में होगा, खेत में होगा। ही वुड बी इन दी होम, अभी वो घर पे होगा। ये लाइक वुड जैसे क्वेश्चन हो, लाइक वुड जैसी होंगी। जैसे शी वुड बी कुकिंग नाउ, अभी वो खाना बना रही होगी, तो इसमें आपको क्या हो रहा है, ये लाइक वुड में आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी में कैसे, जैसे शी वुड बी इन द क्लब एट द टाइम, एट दिस टाइम, शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, ये हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। हो सकता है उस टाइम में कहा हो, क्लब में हो, शी वुड बी इन द क्लब एट द एट दिस टाइम, तो हो सकता है उस टाइम पे अभी क्लब में हो। अगला यूज होता है वुड का, यूज होता है रेदर के साथ, यूज करते हैं रेदर में का, इसका प्रयोग करते हैं जहां पे हम प्रीफरेंस दे रहे हैं, प्राथमिकता किसी को दे रहे हो, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे रेदर का यूज करते हैं वुड के साथ। जैसे आई वुड रेदर रेस्ट नाउ, आई वुड रेदर रेस्ट नाउ, मतलब मुझे अभी आराम करना है, मुझे अभी आराम करना है, तो आप यहाँ आराम को प्राथमिकता दे रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग हियर आई वुड रेदर रेस्ट नाउ। जैसे अलग अलग सेंटेंस देखे, जैसे आई वुड रेदर स्टडी देन सी अ मूवी, मतलब पहले मुझे पढ़ना चाहिए, इसके बाद मुझे मूवी देखना चाहिए, तो पहला प्राथमिकता किसको दे रहा है, प्रीफरेंस किसको दे रहा है, पहले आप पहले प्रीफरेंस दे रहे हैं, वो किसको दे रहा है, स्टडी को दे रहा है। इसमें आपका किसका यूज होगा, वुड रेदर का यूज हो रहा है। अब आपको अगला यूज होता है किसी को विश करना, विशेष में दुआ देना, इसमें आपका विल की जगह, अब विश का विल की जगह वुड का यूज करें, विल का यूज ना करें, किसका यूज करें, वुड का यूज करें किसी को विशेष देने में, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है या फिर उसमें विलिंगनेस साफ साफ स्पष्ट होता है कि नहीं भाई आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से कह रहे हैं। जैसे आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, मेरी ये विलिंगनेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली विलिंगनेस है कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये वाले इलेक्शन में आप इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे। सो अब आते हैं आपके अनरियल काल, जो मतलब वुड जो होता है, इसका यूज आप अनरियल काल्पनिक परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे काल्पनिक जो हम सोचते हैं जो चीजों को, उसमें इसका यूज करते हैं। जैसे If I had wings, I would fly to Europe. अगर मेरे पास पंख होते तो मैं यूरोप के लिए चला जाता, उड़ जाता। विंग्स होते हैं आपके पास, तो ये काल्पनिक के परिस्थिति से कोई लेना देना होता ही नहीं है। अब इसके बाद आते हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंस पर, जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में वुड का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता है शुड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और वुड का यूज किसमें यूज होता है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। और आपको बता दें कि इसमें कोई भी काम ऐसा, मतलब परफेक्ट में जैसे शुड का यूज कैसे करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में कहां करते थे, जहां पे वो काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, उसी तरह इसमें भी इसको ही पास्ट परफेक्ट में यूज करते, ऐसा काम जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। जैसे इफ ही हैड कम टू मी आई वुड गिवन हिम अ जॉब। If he would come to me, I would give him a job. मतलब अगर वो मेरे पास आती तो मैं उसको जॉब दे देता, लेकिन वो आई नहीं तो मैंने उसको जॉब दी नहीं। या फिर ये जाता है If she had asked me, I would have helped her. अगर वो मुझसे कहती तो मैं उसकी हेल्प करता या जरूर करता, लेकिन आपने उसने नहीं कहा और आपने हेल्प नहीं की, तो इसमें इस तरह से आपका कंडीशन सेंटेंस में यूज होता है। अब आपका आता है वुड जो होता है, वुड का जो पास्ट फॉर्म, बिल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होता है। बिल का एक पास्ट फॉर्म कहें तो उसको वुड भी कहते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए बिल आपका वुड में चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लो ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू जयपुर टू नेक्स्ट संडे,
तो इसमें आपका चेंज हो गया नरेशन, तो बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, बिल का वुड। तो एक्टिव से पैसे में कोई नरेशन चेंज करने में आप विल की जगह वुड का यूज करेंगे। अब आपको इसमें सबसे जरूरी, इसी के साथ आपके पूरे आईएमपी जितने भी चीजें थी यूज ऑफ वुड वो फिनिश होता है। लेकिन एक आपको एक आईएमपी चीज है जो आप सुन लीजिए और समझ लीजिए, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आती है और हम जनरल इसमें गलती कर देते हैं। तो जो शुड कुड वुड माइट जो होते हैं, इनका यूज हम पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कैन मे विल मे इन सब का यूज आप सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, पास्ट टेंस में नहीं करते। तो ये इनका मेजर डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए। कॉम्पिटिशन एग्जाम ऐसे ही आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, जो एसएससी के एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें।